एवरीवन, मैं आज आपके लिए साड़ी से कैसे आप इंडो वेस्टर्न लुक कैरी कर सकते हैं ये वीडियो लेके आई हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है साड़ी। आप अपनी किसी भी साड़ी से, सिंपल हो या कैसी भी साड़ी हो, आप उससे बहुत ही प्रिटी इंडो वेस्टर्न लुक कैरी कर सकते हैं, वो भी फटाफट। मैं आपके लिए इसमें 6 साड़ी लुक लेके आई हूँ। देखिए, ये मैंने बांधना शुरू कर दिया है। आप इसे अपने पेटीकोट पर भी पहन सकते हैं, अपने जीन्स, लेगिंग, ट्राउज़र, जैगिंग पे, या आप ऐसे एक बेल्ट बांध सकते हैं आप, या ऐसे कोई भी एक के पास मजबूत सा रिबन हो या ऐसा कुछ भी आप इसे बांध सकते हैं। मेरी ड्रेस का ये बेल्ट है तो मैंने इसे बांध दिया है, बट वो टाइट होना चाहिए जिससे आपकी ड्रेस बाहर ना आए, जैसे आप अपनी साड़ी पे बांधते हैं बिल्कुल टाइट सा। तो ये मैंने इसमें प्लेट्स बनाना शुरू कर दिया है। आप ऐसे प्लेट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपको जितनी प्लेट्स रखनी है अपनी साड़ी की लेंथ के हिसाब से, आप इससे अपनी प्लेट बनाना शुरू कर दीजिए। कभी भी आप अपनी लेगी या जींस पे बिना बेल्ट लगाए कभी भी इसे टक ना करें, क्योंकि साड़ी 5 या 6 मीटर की होती है, थोड़ी लाइट भी हो या हैवी भी हो, तो उसे पूरी आप 5-6 मीटर की साड़ी अपनी जीन्स, लेगिंग, जैगिंग बिल्कुल भी टक ना करें। आप कमर पे बेल्ट लगाइए और बेल्ट में टक कीजिए, या तो कोई मजबूत सा रिबन हो आपके पास, किसी की बेल्ट हो किसी ड्रेस की, तो उसे ही बांधे और उसी में टक करें। कभी भी जीन्स लेगिंग पे टक ना करें, या तो पेटीकोट पे कीजिए। लेकिन अगर इसमें पेटीकोट नहीं पहनते तो, क्योंकि इंडो वेस्टर्न लुक है, तो इसमें आप अपने जीन्स, पैंट, जैगिंग, लेगिंग पे आप एक बेल्ट ज़रूर बांध दें, अच्छे से टाइटली फिटिंग। पहले थोड़ा टाइट ही रखिएगा आप अपनी बेल्ट या जो भी आप बांध रहे हैं। जैसे मैंने अपनी ड्रेस की बेल्ट बांधी हुई है, तो अगर ये किसी भी कलर की हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये वेस्टर्न मॉडर्न लुक है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्लेट्स बन चुकी है, आप इसमें यहाँ पे पिन लगा लीजिए। मैं आपको 6 लुक दिखाऊंगी आज इसी साड़ी से। अभी फटाफट हो जाता है, बस आपको इजीली प्लेट बनानी है और उस पर पिन लगाना है और उसे अपनी बेल्ट में टक कर लीजिए। देखिए, ये अपनी बेल्ट में टक कर लीजिए अच्छे से। आप अपनी साड़ी को जैसे प्लेट्स में अच्छे से देख लीजिए, इक्वल सो। आपको ज़्यादा नीचे रखनी है तो नीचे रखिए, आप अगर हील कैरी करना चाहते हैं तो हील अभी ही पहन लीजिए, और अगर आप पहले हील पहनना नहीं चाहते हैं, बाद में पहनना चाहते हैं, तो जब आप अपनी साड़ी को ज़मीन से टच करते हैं ना, तो आप अपनी पैरों को उठा लीजिए, उससे क्या है हील पे आपकी साड़ी छोटी नहीं पड़ती है, नहीं तो आप अपनी हील पहन के ही साड़ी पहने को प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने कमर पे आप बेल्ट पहन रहे हैं या किसी कपड़े की बेल्ट बना के डाल रहे हैं, तो वो बहुत टाइट होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी 5 या 6 मीटर की साड़ी टिक सके, वरना वो बार बार नीचे आती रहेगी और आपसे ठीक करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, पहले आप टाइट ही रखिए, फिर आप जब से साड़ी टक करते हैं फिर धीरे धीरे ये थोड़ा आपके लिए कम्फर्टेबल हो जाता है। हमने उसे टक कर लिया अपने पीस को, अब हम पल्लू के लिए पीस बनाएंगे। आपको चौड़ा रखना है तो आप चौड़ा रखिए, छोटा रखना है आप छोटा रखिए, उसी के हिसाब से आप अपनी प्लेट बना लीजिए। प्लेट्स बना लीजिए आप, अच्छे से उसे अरेंज कर लीजिए। आप चाहें तो अपनी प्लेट की लेंथ पे 1, 2 या 3 पिन लगा सकते हैं, अपने हिसाब से लगा लीजिए। अगर आपको बिल्कुल सेट रखना है तो 1, 2, 3 पिन लगा लीजिए जगह छोड़ छोड़ के, नहीं तो आप चाहें तो सिर्फ 1 शोल्डर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेल्ट में आपके एक हिस्सा उसका चला जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप 1, 2, 3 लगा लीजिए पिन। प्लेट्स पे एक ज़रूर पिन लगा लीजिए, पिन या ब्रॉच या कोई भी स्टाइलिश से आपको कुछ लगाना है तो आप प्लेट पे लगा दीजिए, या आप अच्छे से बना के एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे पिन लगा दीजिए, अगर आप 2-3 पिन लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो साड़ी आपकी खिसकेगी नहीं, चाहे आप डांस करते जाइए या कुछ भी करिए, साड़ी ख़राब नहीं होगी आपकी। अच्छे से उसे चपटे पिन से सिक्योर कर लीजिए, और ये एरिया जो मैं ठीक कर रही हूँ यहाँ भी आप एक पिन लगा सकते हैं, वरना बेल्ट में या किसी भी तरह के रिबन जो भी आप कमर पर बांधना चाहते हैं, आपके पास कोई ब्रॉच टाइप का स्टाइलिश का कुछ हो वो भी लग सकता है यहाँ पर, या तो कोई चेन है आपके पास, कोई कमरबंद हो पतली सी स्टाइलिश सी, जो भी आप वेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इंडो वेस्टर्न लुक है तो आप इस पर कुछ भी कैरी कर सकते हैं। देखिए, मैं पिन दिखा रही हूँ आप,
आप इसे किसी भी टॉप और जैगिंग लेगिंग किसी भी चीज़ पे पहन सकते हैं। आपको कोई भी ट्राउजर हो किसी भी टॉप पे पहन सकते हैं। आपका ट्यूब टॉप हो, क्रॉप टॉप हो, लॉन्ग टॉप हो, या फुल स्लीव्स हो, कट हो, बैकलेस हो, या शर्ट हो, आपकी कोई भी प्लेन शर्ट हो या डिज़ाइनर शर्ट हो, नेट वाली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इसे किसी भी चीज़ पे कैरी कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आप हिल कैरी कर लीजिए, क्योंकि हिल पे ज़्यादा अच्छा लगता है। या जूती वगैरह आप ट्राई करना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं, फ्लैट भी पहन सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक है। अभी मैंने आपको बेल्ट वगैरह लगा के नहीं दिखाई है, मैं आपको बेल्ट और एक अलग से एक और बेल्ट है वो भी लगा के दिखाऊंगी आपके। तो आप इसमें स्लिम बहुत ज़्यादा लगते हैं, और आपको स्लिम लुक चाहिए तो आप इंडो वेस्टर्न ट्राई जरूर कर सकते, क्योंकि बहुत स्लिम लगता है। और ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, कहीं से खिसकती नहीं है। वो कमर पे ऑरेंज बैंड दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वो बुरा नहीं लग रहा है। आप चाहें तो उसे हाइड कर सकते हैं अपनी टी शर्ट से, या अपनी टी शर्ट की मैचिंग ले सकते हैं। देखिए ये सेकेंड लुक है। जो साइड में जो एरिया है उसको थोड़ा डिज़ाइन में बनाना है, जो साइड में प्लेन है तो डिज़ाइन में बनाना है। उसके लिए यहाँ से हम बैंड में वो पूरा एरिया डाल देंगे, तो कमर पे अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से कमर पे टक कर लीजिए, इधर आप इस पर टक कर लीजिए, और इस साइड में आप ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। आप इसको कितना भी नीचे कर सकते हैं, अगर आपको ये साइड में जो है आप इसको बिल्कुल नीचे कर सकते हैं, या और भी ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं, वो आप जैसा भी करें वो अच्छा लगेगा। और ऊपर कर सकते हैं या तो उसको और नीचे कर सकते हैं। ये देखिए एरिया बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो अपने किसी भी सिंपल टॉप या शर्ट को नॉट बांध सकते हैं, या तो आप उसे अंदर फोल्ड कर सकते हैं, वो बहुत प्रिटी लगेगा अपने कम्फर्ट के हिसाब से, क्योंकि इस पर सब अच्छा लगता है। और आप चाहें तो वो जो रिबन या बेल्ट या बैंड है वो अपना मैचिंग भी बांध सकते हैं कमर पे टक करने के लिए सारी, या तो अनमैचिंग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुरा नहीं लगता है। मैं आपको इसके बेल्ट लगा के दिखाऊंगी, देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहा है बेल्ट पे और बैंड पे ही साड़ी। कोई भी बेल्ट हो आपके पास, मोटी वाली या नग वाली या कोई भी डिज़ाइन वाली, चौड़े कितना भी हो या पतला हो, बीच पे अच्छा लगता है। और ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, और ये विंटर सीजन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप फुल स्लीव पहन सकते हैं, इस पर कितना भी डिज़ाइनर पहन सकते हैं, ठंड नहीं लगेगी आपको। ये देखिए मैंने इस पर ये बांधा हुआ है, तो आपको थर्ड लुक दिखाऊंगी इसका। ये देखिए जैसे हम साड़ी में सीधा पल्ला लेते हैं, फिर इसको घुमा के आगे ले आना है और वापस उसे पहन लेना है। आप इससे कोई भी ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो या मॉडर्न हो, या किसी भी टाइप की ज्वेलरी हो, लॉन्ग पतली या सिंपल या ज़्यादा, किसी भी तरह की ज्वेलरी आप इस पर कैरी कर सकते हैं। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। आप चाहें तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं, अगर आपको पिन लगाना है तो आप पिन लगा सकते हो, ना इसे खाली छोड़ सकते हो। तो विंटर सीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। जैकेट स्वेटर शॉल स्टॉल तो कुछ ले नहीं सकते, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जैगिंग लेगिंग या जीन्स ट्राउजर्स पहन सकते हैं, कुछ भी अपने पसंद का, और ऊपर आप फुल बाजू वाली शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुछ भी स्टाइलिश का पहन सकते हैं। तो बाकी चीज़ों के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा वो इजी हो जाता है। आप इसकी लेंथ थोड़ी कम रख सकते हैं, ज़्यादा फ्लोर टच रख सकते हैं, हिल तक रख सकते हैं, या हिल से थोड़ी ऊपर भी हो तो भी चल जाएगा। पर जो आपके कमर पे जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ये साड़ी सारी उसी पे होती है, उसका आप बहुत खास ख्याल रखिए। देखिए कितना प्रिटी लुक आ रहा है।
बिल्कुल मॉडर्न है, आप इसको पहन के जरूर जाइए, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ये फोर्थ लुक है। वापस से वही जी उल्टे के पल्ले की तरह बनाना है। जो एरिया है इसे हम पूरा ही कवर कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी नेवल शो भी कर सकते हैं या तो उसे कवर भी कर सकते हैं। इसे पूरा हम कवर कर लेंगे और ऊपर से टक कर देंगे। इसे आप थोड़ा सा अच्छे से लेंगे तो बहुत स्लिम लुक देगा आपको। देखिए अच्छे से टक कर लीजिए। और ये जो एरिया है उसको आप बिल्कुल प्लेट्स बना के, अगर आप ऐसे खाली छोड़ देंगे तो वो नहीं दिखेगा, और दिखता भी है तो गंदा नहीं लगता है। आप चाहें तो आप एक पिन भी लगा सकते हैं, मैंने पिन नहीं लगाया। हाँ देखिए आप चाहे तो वहाँ एक पिन लगा लीजिए। और आप डांस पर्सन है तो आप तो कितना भी डांस कीजिए खराब नहीं होगा, बस इससे अच्छे से आप टाइटली टक कर लीजिए। आप चाहे तो बेल्ट में पल्लू जो है उसका साथ में अटैच कर सकते हैं, या तो आप उसे खुला भी छोड़ सकते हैं। ये वाला लुक भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत ही प्रिटी लगता है। ये भी आप विंटर लुक के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली विंटर लुक के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि एक स्टाइलिश लुक भी आप कैरी कर सकते हैं अपनी किसी भी साड़ी से, अपनी मम्मा की किसी साड़ी से, चाहे वो कितनी पुरानी हो गई है, आउट ऑफ ओल्ड फैशन हो गई है, किसी भी साड़ी से जो आप पहन के बोर हो चुके हो, किसी भी साड़ी से आप बना सकते हैं। बिल्कुल अलग लुक आएगा और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगी आप अगर फुल स्लीव्स वगैरह पहनें तो। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। आप कैसी भी बेल्ट या कुछ भी आपके पास अगर बटन बांधने वाला हो, ज्वेलरी वगैरह पहन सकते हैं इस पर। बस कुछ नहीं करना, उसे घुमा के बस गर्दन से ले लेना है और इसे सीधा गिर। आप चाहें तो उसे थोड़ा लूज नीचे भी कर सकते हैं और खींच के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा, इसमें एक भी पिन नहीं लगा हुआ है, बस वो स्टार्टिंग में जो प्लेट्स में लगाया था, एक प्लेट वाला और एक जो आगे प्लेट्स बनाई थी उसमें, बस और कहीं नहीं आपको लगाना है। अगर आप बिल्कुल भी पिन नहीं लगाना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो गैप कर सकते हैं, दोनों को साथ में कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैंने हील पहनी हुई है तो आप भी हील कैरी कर लें, या कोई भी बेली वगैरह आप कैरी कर सकते हैं इस पर। तो ये फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा लुक आप पे। ये सिक्स्थ लुक है। ये आपको इधर से सिर्फ सीधा सीधा ले लेना है, इसे इधर की तरफ पल्लू पे नहीं करना है आपको। आप अपनी राइट शोल्डर पे ही डाल देंगे, आपको लेफ्ट पे नहीं डालना है। और लेफ्ट से आप राइट पे कर देंगे, फिर इसको अपने नेक के अराउंड कर देंगे, घुमा देना है। ये भी ठंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। कोई लंबी सी चेन लॉकेट आप इसे पहन सकते हैं, या वो मटर माला टाइप की आती है। आप चाहें तो इसको अंदर अपने बेल्ट में टक कर सकते हैं, बेल्ट से निकाल सकते हैं इसको, नहीं तो ऐसे खुला भी छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने इसे आपको बेल्ट में टक करके भी दिखाया, कितना प्रिटी लग रहा है। बेल्ट में ही टक कर लीजिए, क्योंकि फिर ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कितना प्यारा लुक लग रहा है। ये जो मैंने वो ऑरेंज रिबन बांधा था वो भी नहीं दिख रहा है, अगर वो हल्का बीच में दिख रहा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।